जय हिंद दोस्तों। सेना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कब मान्य है, कब मान्य नहीं है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। एक लेटेस्ट केस हुआ है, कोर्ट ने सभी सरकारों को फटकार लगाई है इसी विषय पर, तो बात करेंगे। उससे पहले बता दें कि हमारे चैनल में ऐसे ही कंटेंट मिलते रहते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट मिलते रहेंगे। तो ये वैलिडिटी क्या है सेना स्नातक प्रमाण पत्र की, वैधता किन किन जॉब में है, किन किन चीजों में है, तो बात करें। उससे पहले बता दें कि कोर्ट ने डिग्री के बराबर इसको मान्यता दे दी है, लेकिन कई जगह ऐसे केस हो जा रहे हैं कई स्टेटों में, जिनमें कि अभी भी जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, कई सरकारों की ऐसी नौकरियां हैं जिनमें अभी भी इसकी इसको मान्य नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट ने क्लियर एक फटकार लगा दी है सभी सरकारों को। क्या बोला है कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा, जब केंद्र सरकार ने इनको ग्रेजुएशन की डिग्री को बराबर माना है, आर्मी ग्रेजुएशन, एयरफोर्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट को, तो बाकी आप लोगों को, राज्य सरकारों को इसमें कहाँ दिक्कत हो रही है? तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि दोबारा इस तरह के केस नहीं होने चाहिए, कोई भी केंद्र सरकार से बड़ा नहीं है। तो बहुत अच्छा फैसला है। अभी मैं बात करता हूं कब मान्य है ये सर्टिफिकेट, आर्मी एयरफोर्स नेवी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जब योग्यता में नोटिफिकेशन में केवल ग्रेजुएशन मांगा जाए तब ये वैलिड है, केवल ग्रेजुएशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ग्रेजुएशन में परसेंट ना मांगा गया हो, ग्रेजुएशन मांगा गया है और उसमें अगर 50% मांग लिया गया है तो ये वैलिड नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखें, ग्रेजुएशन मांगा गया हो उसमें परसेंट ना मांगा गया हो। तीसरी बात, तीसरा है ग्रुप बी की, सभी केवल ग्रुप बी में केवल पुलिस और डिफेंस की जॉब में ही ये मान्य है सर्टिफिकेट, और सी और डी की सभी पोस्टों के लिए मान्य है ये सर्टिफिकेट। ध्यान रखें, ग्रुप सी और डी में सभी में मान्य है। कब मान्य नहीं होगी ये सर्टिफिकेट, ये भी ध्यान रख लें कब मान्य नहीं है। तो सबसे पहले जब योग्यता में नोटिफिकेशन में मांगा गया हो बीए, बीकॉम, बीएससी, तो फिर ये मान्य नहीं होगी। ध्यान रखें, ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अगर पार्टिकुलर बीए, बीकॉम, बीएससी मांग लिया गया है तो ये वैलिड नहीं है सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, जब ग्रेजुएशन मांगा गया हो और उसमें परसेंट मांग लिया गया है तब भी वैलिड नहीं है ये सर्टिफिकेट। इसके बाद ग्रुप ए की किसी भी पोस्ट के लिए वैलिड नहीं है, ध्यान रखें। ग्रुप बी में भी वैलिड नहीं है एक्सेप्ट डिफेंस की जॉब छोड़ के, डिफेंस की जॉब में कहीं कहीं वैलिड है, जिसमें कि सब इंस्पेक्टर के पदों पर भी वैलिड है। तो ये था, कई लोगों के कमेंट आते थे कि सर ये सर्टिफिकेट मान है इस जॉब में कि नहीं है, तो क्लियर हो जाए हो गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, क्वायरी है तो तुरंत कमेंट करें तो उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपके चैनल में मिलते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।